हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था और बताया भी था कि जो भी KVS और DSSSBPRT की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए मैं कंप्लीट सॉल्यूशन और कंप्लीट क्लासेस लेके आने वाला हूँ जो कि PRT के लिए होने वाला है। तो जो आज का वीडियो होने वाला है वो KVS PRT का जो सिलेबस है, कहाँ से क्वेश्चंस होता है, पेपर पैटर्न क्या है, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है KVS PRT के बारे में, तो उनको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। वीडियोस को पूरा देखिएगा, या जो भी अपकमिंग KVS PRT या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यहाँ से बहुत अच्छे से गाइडलाइंस ले सकते हैं चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस का और पेपर पैटर्न का। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आपका पेपर होने वाला है वो कितने नंबर का होने वाला है। देखिए टोटल बात करें तो 180 मार्क्स का आपका होगा। कितने? 180 मार्क्स के पेपर होंगे आपको। 180 मिनट मिलते हैं आपको, 180 नंबर का पेपर, 180 मिनट्स मिलते हैं आपको। वहीं बात करूं तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर ऑनलाइन CVT मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो वहीं बात करें तो दो फेज में होता है। इस पहली चीज़ आपको, अगर आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो जो CVT मोड का है, तो फिर आपके लिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपकी इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू होता है और उसी में 15 नंबर का डेमो टीचिंग आपसे किया जाता है। तो ये मिला जुला के दो फेज में आपको, अगर KVS के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको दो फेज में एग्ज़ाम क्रैक होना है। पहला CVT मोड का एग्ज़ाम जो कि 180 मार्क्स का होता है, 180 मिनट का। अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपको इंटरव्यू और डेमो टीचिंग के लिए बुलाया जाता है, ठीक है, जिसमें डेमो आपका लिया जाता है और पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है। ये चीज़ हो गई। अब 180 मार्क्स, सबसे पहले तो हमें एग्ज़ाम क्रैक करना होगा, इंटरव्यू की बात होती है। तो 180 नंबर में क्या क्या आता है, आइए इसको डिटेल से डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ ये जान लीजिए कि 180 नंबर का क्या क्या आता है इसमें। तो देखिए इसमें पार्ट ए होता है, ठीक है, ये पार्ट ए है हमारा। ये पार्ट ए में, पार्ट ए में होगा जनरल हिंदी 10 नंबर की आएगी, जनरल इंग्लिश 10 नंबर की आएगी, ठीक। ये पार्ट ए हो गया, 20 नंबर का टोटल ये हो गया, ठीक। वहीं पार्ट बी की बात करें तो इसमें आएगा जनरल नॉलेज 10 नंबर का आएगा, जिसमें करंट अफेयर्स भी आपका रहेगा। वहीं लिसनिंग एबिलिटी आएगी 5 नंबर की। आगे की बात करें तो कंप्यूटर 5 नंबर का आएगा। तो ये हो गया टोटल जनरल हिंदी 10 नंबर का, जनरल इंग्लिश, ये मिला के 20 नंबर पार्ट ए का हो जाएगा। और पार्ट बी की बात करें तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स इसमें आएगा 10 नंबर का, रीजनिंग एबिलिटी 5 नंबर का आता है, कंप्यूटर आता है 5 नंबर का। अब आता है आपका जिसको हम कहते हैं जिसको पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ठीक है, पार्ट थर्ड हो जाता है आपका। ये सिलेबस का पार्ट थर्ड होता है। ये आएगा आपका 60 मार्क्स का, कितने 60 मार्क्स का, ये हो जाएगा आपका पार्ट थर्ड। अब पार्ट थर्ड में 60 मार्क्स में क्या क्या पूछा जाता है। पहला जो सिलेबस में हमारा टॉपिक दिया है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ठीक है, इसके कई सब टॉपिक्स हैं, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब चीज़ों को कवर करेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स 15 नंबर का आपका क्वेश्चन यहाँ से आएगा। अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग एंड लर्निंग 15 नंबर का ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए कई सारे सब टॉपिक्स हैं, वो जब सिलेबस जब हम CDP या टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट करेंगे उसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वहीं तीसरा है क्रिएटिव कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, क्या, क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, जिससे 10 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। वहीं चौथा टॉपिक है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, फिर से रिपीट कर देता हूँ, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आगे की बात करूँ तो पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, ठीक है, यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल आपका 40 नंबर का ये हो गया, ठीक है। अगर बात करें तो पार्ट ए 20 नंबर का, पार्ट बी या पार्ट सेकेंड कह लीजिए आपका 20 नंबर का, टोटल 40 नंबर का पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए आपका 20, पार्ट बी भी 20 नंबर का, टोटल मिला के 40 नंबर का ये हो गया। और 60 नंबर का आपका ये हो गया पार्ट थर्ड, जिसको हम पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप या टीचिंग एप्टीट्यूड शॉर्ट में कह लीजिए। तो 60 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं। अब एक मिनट में मैं आपको फिर से बता देता हूँ। पहला हो गया आपका 20 नंबर का, पार्ट
बी हो गया या सेकंड कह लीजिए बीस नंबर का, ये 40 हो गया। और 60 मार्क्स का जो आपका हो जाता है, 60 मार्क्स का आपका पार्ट थर्ड हो जाता है, जिसको हम टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। ठीक, ये तो ये टोटल हो गया 60 प्लस 40, 100 मार्क्स का आपका ये हो जाता है। अब बचता है आपका 80 मार्क्स। ठीक है, 80 मार्क्स बचता है। 80 मार्क्स के जो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको अच्छे से। सबसे पहली चीज़ कि पढ़ने से पहले किसी एग्जाम को आपको सिलेबस बहुत अच्छे से जानना जरूरी है। अब 100 नंबर का क्लियर मैंने कर दिया, अब बचता है 80 मार्क्स। ठीक है, 80 मार्क्स बचता है। तो 80 मार्क्स जो है कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब्जेक्ट कंसर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कहाँ से, सब्जेक्ट कंसर्न से यहाँ से पूछे जाते हैं। अब जैसे इसमें क्या क्या आएगा, आपकी आ जाएगी हिंदी आ जाएगी, वहीं दूसरे की बात करें इंग्लिश इसमें पूछेगा, तीसरा बात करें तो इसी में पूछेगा आपका मैथ, इसी में आपका पूछेगा ईवीएस। तो टोटल ये सेक्शन हो जाता है आपका 80 मार्क्स का। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, आपका जो पेपर होता है पूरा डिवाइड होता है पार्ट वन में। पार्ट वन में 20 नंबर का आपका पार्ट वन हो जाता है, 20 नंबर का जिसमें रीजनिंग एबिलिटी 5 नंबर की होती है, 5 नंबर का कंप्यूटर होता है, पार्ट बी हो जाता है। ठीक, और वही बात करें तो पार्ट थर्ड हो जाता है 60 मार्क्स का, जिसको हम कहते हैं सब जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कह लीजिए, या तो आप उसको पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन एंड लीडरशिप से क्वेश्चन पूछता है। तो और बाकी इस 80 नंबर जो बचते हैं, ये आपका हो जाता है सब्जेक्ट कंसर्न, जिसमें हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, मैथ होता है, ईवीएस होता है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब कुछ चीज़ें और बताता हूँ मैं फिर से रिवाइज करके। टोटल 180 नंबर का आपका पेपर हो जाता है, 180 मार्क्स का, 180 क्वेश्चंस होते हैं आपके, 180 क्वेश्चंस जो होते हैं पार्ट वन में, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, और चौथा हो जाता है आपका, इसको कह दीजिए सब्जेक्ट कंसर्न। ठीक है, सब्जेक्ट कंसर्न इसको कह दीजिए आप, ये हो जाता है आपका 80 नंबर का। ठीक है, तो 20 प्लस 20 प्लस 60, ये टोटल हो जाएगा आपका 100। ठीक है, और ये हो जाएगा 80 नंबर का सब्जेक्ट कंसर्न, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस पूछता है। तो टोटल कितने नंबर का हो जाएगा आपका, 180 का पेपर हो जाता है। यहाँ तक आपको आई होप सो कि 180 नंबर कैसे डिवाइड होता है आपका पेपर में, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये अगर आप क्रैक कर लेते हो, अगर आप एग्जाम ये निकाल लेते हो सीबीटी मोड वाला, सीबीटी मोड का अगर आप एग्जाम निकाल लेते हो, अगर मान लीजिए आपने मेरिट में आ गए आप, इसके बाद आपका क्या होता है, इसके बाद आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हो। ठीक, इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हो, इंटरव्यू और डेमो टीचिंग। देखिए यहाँ पे दोनों नंबर्स आपके जोड़े जाते हैं, जो आप सीबीटी मोड में और जो आप इंटरव्यू डेमो टीचिंग में जितने भी मार्क्स आप पाते हो, 60 नंबर का ये हो जाता है, अब तो 60 नंबर का हो गया है, तो जितना मार्क्स पाते हो दोनों को ऐड किया जाता है, ऐड करके आपकी बनाई जाती है फाइनल मेरिट। अगर आप फाइनल मेरिट में जाते हो तब जाके आपका KVSPRT के टीचर बन जाते हो आप। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। देखिए इंटरव्यू तो बाद की बात है, वो सारी चीज़ें मैंने इसके पहले भी वाले भी में मैंने बहुत लोगों को प्रिपरेशन कराई थी और बहुत लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है। तो और अगर आगे अपकमिंग आता है KVS तो आपसे मिलवाऊंगा भी उन सभी से। ठीक है, ऐसी बात ही नहीं करता, मैं मिलवाऊंगा भी उनसे सभी लोगों से जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो अभी KVS में रिसेंटली ऐसा टीचर वर्क कर रहे हैं। तो ये चीज़ होगी, यहाँ से आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा। अब कोई डाउट बचता है पेपर को लेके कि कितने नंबर का पेपर होता है, कितने मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, 180 नंबर का पेपर होता है, 180 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ऑनलाइन सीबीटी मोड में होता है, ऑब्जेक्टिव मोड में होता है, और 180 नंबर का पेपर होता है। अगर ये क्रैक करते हो आप मेरिट में आते हो तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद डेमो टीचिंग लेते हैं आपसे। ठीक, ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद फाइनल मेरिट बनती है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब कोई भी डाउट बच गया हो आपका तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। बाकी कल से हम CDP वाला सेक्शन एकदम पूरा डिटेल में सिलेबस उसका डिस्कस करके फिर स्टार्ट करेंगे टॉपिक, एकदम बिल्कुल बेसिक और जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।